हर्षित, आज का आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम बहुत मीडियम लेवल का था, मेरा ठीक ठाक हुआ है, बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मेरे ठीक ठाक नंबर आए हैं जिससे मैं IIT की कोर ब्रांचेस वो ले सकता। ओके, सो आज के ये JEE एडवांस पेपर 2024 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? मेरी JEE एडवांस 2024 से एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा जो सिलेक्शन हो सकता है वो डिसेंट IITs में हो सकता है, टॉप 7 नहीं लेकिन बाकी IITs में मैं हो सकता है ट्राई कर सकता हूँ, जिसमें मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक ही आएंगे क्योंकि मेरा पेपर वन ज़्यादा बेटर था पेपर टू से, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। ओके, अगर बात करें तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे इजी लगा है एंड सबसे डिफिकल्ट लगा आज के एग्जाम में? आज के एग्जाम में जो सबसे इजी लगा मुझे सब्जेक्ट वो था केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस थे उसमें जो लेवल था वो बहुत इजी था, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे थे कुछ डायरेक्ट थे, जैसे एक एसपार्टी में क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था उसका फॉर्मूला। मैडम, हाउ वाज योर एग्जाम? इट वाज नाइस, इट वाज वेल। ओके, सो आज आपका JEE एडवांस का पेपर था, कैसा रहा आपका JEE एडवांस का पेपर? पेपर एक्सपेक्टेशन जैसे ही रहा, मतलब मेरे को लगता था मेरे कट ऑफ क्लियर हो जाए एंड मेरे को मतलब डिसेंट मतलब मार्क्स आ जाए, तो इट वाज। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आज के JEE एडवांस 2024 के एग्जाम से? इट वाज वेल, सो आई थिंक आई विल गेट इन IIT। एंड आज के जो पेपर में आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा सबसे इजीएस्ट लगा एंड कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट? फॉर मी केमिस्ट्री वाज द इजीएस्ट एंड एज ऑलवेज मैथ इज द टफेस्ट। ओके, सो आपके क्या सजेशंस रहेंगे जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए? फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट टू डू मॉक फॉर एडवांस एंड फॉर JEE सिंपली रिवाइज फॉर्मूलाज NCERT बेस्ड। तो आपको सबसे ज्यादा क्या चीज ने हेल्प किया? आई थिंक माय टीचर्स एंड माय बिग ब्रदर। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। समय, आपका ये पेपर कैसा गया बेटा? पेपर मेरा सही है, ओवरऑल सही है मेरा दोनों पेपर। ठीक है, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो कौन सा पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था, पेपर वन या पेपर टू? पेपर टू ज्यादा डिफिकल्ट था, पेपर वन। ठीक है, अच्छा मैं ज्यादा अगर जानना चाहूं कि सबसे ज्यादा आपकी प्रिपरेशन में किस चीज ने आपको हेल्प किया? PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और वही मेरे को ज्यादा हेल्प किया, और थोड़ा मॉक टेस्ट दे दिया था और सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग थोड़ा वो मेरे को ज्यादा हेल्प कर दिया। ग्रेट, अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ कि आज का जो पेपर था अगर मैं इजीएस्ट सब्जेक्ट जानने की कोशिश करूँ तो विच इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री, और पेपर टू में केमिस्ट्री और पेपर वन में फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके, समय द लास्ट क्वेश्चंस की क्या एक्सपेक्टेशन है आपके इस पेपर से? मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मेरा हो जाए बस, अच्छा गया है तो एग्जाम सही गया है तो। ओके, अरमान आज का आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम तो बिल्कुल मॉडरेट ही गया था। ओके, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग कैसा था, इजी? मैंने PYQs लगाए थे एडवांस के, तो बेसिकली इससे थोड़ा टफ था सेकंड अटेम्प्ट जो करा था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो नॉर्मली इजी था, मैथ जो है सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी टफ आया था, इनमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी काफ़ी टफनेस इंक्रीज हुई थी फर्स्ट टाइम कम्पेयर। और JEE एडवांस पेपर जो है 2024 उससे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो एक्सपेक्टेड मेरा कोडिज था वो तो लगता नहीं रैंक इतना आएगा, लेकिन हाँ थोड़ी और मेहनत की जरूरत है बेसिकली, एग्जाम देख कर के लग रहा है कि हाँ थोड़ा और मेहनत करना है इस चीज़ के लिए। कोई आपके सजेशंस जो आप अपने यू नो कलीग्स को देना चाहेंगे? बेसिकली मैं यही कहूँगा कि मैथ तो डे बाई डे प्रैक्टिस है, डे बाई डे करना है, और ये नहीं कि मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है, मॉक टेस्ट तो वेरी एसेंशियल फॉर JEE एडवांस, बेसिकली JEE मेंस क्वालिफाइड करोगे उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, और बीच में 4 महीने मिलते हैं उसके लिए तुम इतना सक्सेस हो जाते हो कि तुम रैंक में अच्छी इंप्रूवमेंट कर सकते हो मॉक टेस्ट देकर के, इससे पता पड़ता है कि हम किस लेवल पर हैं, बेसिकली यही है। चलिए, थैंक यू सो मच अरमान, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।